दाने दाने को मोहताज थी ये महिला, छापेमारी में मिले 100 करोड़ रुपए। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली संजू देवी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी सपने से कम बिल्कुल नहीं है। वो रातों रात 100 करोड़ की मालकिन हो गई। दोस्तों, खेती बाड़ी करने वाली संजू देवी जैसे तैसे परिवार की देखभाल करती है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि वो करोड़ों की मालकिन है। आपको बता दें कि आयकर विभाग के कुछ अधिकारी जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक ऐसी जमीन मिली उन्हें जिसकी मालकिन संजू देवी नाम की एक महिला है। दोस्तों, संजू के लिए 1 लाख तो बनता ही है। ये जमीन 64 बीघा में फैली हुई है और इसकी कीमत करीबन 100 करोड़ रुपए है। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि जब संजू देवी को इसके बारे में पता चला तो वो चौंक गईं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 12 साल पहले उनके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पति के निधन के कुछ महीने पहले ही वो उन्हें साल 2006 में आमेर लेकर आए थे और वहां पर कुछ बड़े लोग बैठे हुए थे जिनके हाथों में कुछ कागजात थे जिस पर मेरे पति से वो लोग अंगूठा लगवाना चाहते थे। मेरे पति ने मुझसे अंगूठा लगाने को कहा। मैंने उनसे बिना पूछे और समझे अंगूठा लगा दिया। वहीं जब अधिकारियों ने संजू से उनके काम के बारे में पूछा तो उन्होंने इस पर कहा कि वो दिन भर खेती बाड़ी और मजदूरी करती हैं और इससे कुछ रुपया आ जाता है जिससे वो अपने परिवार का गुजारा करती हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद घर के काम में हाथ बटाते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वहीं इस मामले की जांच पूरी होने के बाद अधिकारियों ने बताया कि बड़े शहरों के कुछ बिजनेसमैन आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए आदिवासियों को कुछ लालच देकर जमीन खरीद लेते हैं। आपको बता दें कि आदिवासियों की जमीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकते हैं। संजू का परिवार आदिवासी परिवार में आता है, इसलिए बिजनेसमैन की बातों में आकर संजू के पति ने 100 करोड़ की इस जमीन को खरीदने के लिए दस्तावेजों पर अंगूठे लगवा दिए। और वैसे पूरे मामले के बारे में पता चलने पर आयकर विभाग ने सारी जमीन अपने कब्जे में ले ली। दोस्तों, ऐसी ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।